हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को अलसी खाने के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। क्या आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं? क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? क्या आपका वज़न बढ़ रहा है? यदि आपका जवाब हाँ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलसी में छुपा हुआ है आपकी इन समस्याओं का समाधान। जी हाँ, अलसी के छोटे छोटे बीजों में आपकी सेहत के बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। तो आइए जानते हैं अलसी खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। भूरे काले रंग के ये छोटे छोटे बीज हृदय रोगों से आपकी रक्षा करते हैं। इनमें उपस्थित घुलनशील फाइबर्स प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इससे हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। नतीजन हार्ट अटैक की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है। अलसी में ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त प्रवाह को बेहतर कर खून के जमने या थक्का बनने से रोकता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। यह रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है। ये शरीर में अतिरिक्त वसा को भी कम करती है, जिससे आपके वजन कम होने में सहायता मिलती है। अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करती है, जिससे त्वचा पर झुर्रियां नहीं होती और कसाव बना रहता है। इससे त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनती है। अलसी में अल्फा लाइलोनिक एसिड पाया जाता है, जो आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज़ और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। खास तौर से कॉलन कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। सीमित मात्रा में अलसी का सेवन खून में शकरा के स्तर को नियंत्रित करता है। इससे शरीर के अतिरिक्त भाग स्वस्थ रहते हैं और बेहतर कार्य करते हैं। इसमें उपस्थित लाइगन नामक तत्व आंतों में सक्रिय होकर ऐसे तत्व का निर्माण करता है, जो फीमेल हॉर्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलसी के तेल की मालिश से शरीर के अंग स्वस्थ होते हैं और बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। इस तेल की मसाज से चेहरे की त्वचा कांतिमय हो जाती है। शाकाहारी लोगों के लिए अलसी ओमेगा-3 का बेहतर विकल्प है, क्योंकि अब तक मछली को ओमेगा-3 का अच्छा स्रोत माना जाता था, जिसका सेवन नॉन वेजिटेरियन लोग ही कर पाते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम 1 चम्मच अलसी का सेवन आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसे पीसकर पानी के साथ भी लिया जा सकता है। अलसी को नियमित दिनचर्या में शामिल कर आप कई तरह की बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। साथ ही आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।